गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉरेन कर्नल किस तरह से आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना और क्या कुछ यहाँ पे आपको फीचर्स लॉरेन कर्नल प्रोवाइड करता है। तो गाइस, मैं ये जो रॉम यूज़ कर रहा हूँ ये एंड्रॉइड 11 बेस्ड रॉम है, शेफ शिफ्ट ओएस। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये एक लेटेस्ट वर्जन है और गाइस इसका बिल्ड डेट आपको यहाँ पे 9 अगस्त का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस इसमें मैंने कर्नल यूज़ कर रहा था 4.14.225 अग्नि कर्नल यूज़ कर रहा था। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको लॉरेन कर्नल इस रॉम में इंस्टॉल करना है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल, आप देख रहे हैं कस्टम टेक चैनल। चलिए फ्लैश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मेरा डिवाइस में अभी अग्नि कर्नल रन कर रहा है। और लॉरेन कर्नल को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना डिवाइस रूट करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉरेन कर्नल आपके डिवाइस में इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मैजिक्स मैनेजर इंस्टॉल कर रखा है। गाइस यहाँ पे मैंने अपना डिवाइस रूट भी कर रखा है। ये प्रोसीजर होने के बाद आपको अपना डिवाइस बूट करना है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो यहाँ पे मैं अपना डिवाइस बूट करता हूँ ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो इसे बूट होने में 2 से 3 मिनट लगेगा, तब तक मैं आपको फीचर्स बताता था लॉरेन कर्नल क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे गाइस लॉरेन कर्नल आपको यहाँ पे सबसे पहले बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। सेकंड गाइस, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले को है वो एमोल डिस्प्ले में कन्वर्ट कर देता है, फुल्ली कन्वर्ट नहीं करता, बट गाइस यहाँ पे कलर्स वगैरह काफ़ी हद तक एमोल डिस्प्ले की तरह ही देखने को मिलता है। थर्ड फीचर आपको देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पे अगर आपके रॉम में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, थर्मल इशू आता है, तो यहाँ पे ये कर्नल उसे फिक्स करता है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपके रॉम में प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे ये कर्नल प्रोवाइड करता है। ड्रॉबैक आपको इस कर्नल का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए आपको अपना डिवाइस रूट करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे सेफ्टी नेट फीचर बाईपास करना पड़ेगा अगर आपको बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करना। ये ड्रॉबैक आपको इस कर्नल का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मेरा डिवाइस बूट हो चुका है। यहाँ पे आपको 3 फाइल्स की ज़रूरत है। APK फाइल है, उससे आपको मैनुअली इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन बूट होने के बाद। गाइस 2 आपको zip फाइल देखने को मिली। सबसे पहले यहाँ पे आपको कर्नल देखने को मिलेगा 6250 MITOL और गाइस ये 0.1 वर्जन देखने को मिल जाता है। इसे आपको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आपको इसे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल पे स्टार्ट करना। तो इसे आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे तो ये सबसे पहले आपको रूट की परमिशन अगर आपके डिवाइस में नहीं रहेगी तो ये इंस्टॉलेशन स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप रेस करने बोल रहा है, तो इसे आपको क्लिक करना है और अभी आपको वॉल्यूम डाउन की क्लिक करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डू यू वॉन्ट लॉरेन डिस्प्ले एमोल्ड कलर, इसे आपको येस करना है। येस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मल प्रोफाइल्स एनेबल करना है कि नहीं और यहाँ पे चार्जिंग स्पीड एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, तो इसे भी आपको येस करना है। नीचे आप देख सकते हो बिल्ड इन विच वन बेटर मैजिक्स मॉड्यूल, आप यहाँ पे येस कर लेना। और गाइस इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा परमिसिव या सिलिनिक्स, इसे आपको नो करके एनेबल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैजिक्स डिटेक्ट होएगा और यहाँ पे ये कर्नल सक्सेसफुली आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। इसे इंस्टॉल होने के बाद आपको अपना डिवाइस बूट कर लेना। तो मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिबूट सिस्टम पे क्लिक करना, आपको डिवाइस को अपने सक्सेसफुली बूट कर लेना। तो यहाँ पे आप देखोगे गाइस मेरा डिवाइस बूट हो चुका है। अब मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ हमारा कर्नल सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन पे 11 पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.14.235 लॉरेन कर्नल इंस्टॉल हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे आपको एप्लीकेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूँगा। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी मोड देखने को नहीं मिलेगा। ये मोड मुझे इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि मैंने पहले लॉरेन कर्नल अपने डिवाइस में इंस्टॉल किया था, इसकी वजह से ये प्रोफाइल्स डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ब्लैंक देखने को मिलेगा, तो आपको अपने डिवाइस को बूट करना है रिकवरी मोड में फिर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिकवरी मोड में बूट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल की फाइल है इसे आपको क्लिक करना है और इसे आपको इंस्टॉल कर देना है। तो ये इंस्टॉलेशन ये भी स्टार्ट हो जाएगा। इसे इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2 से 3 सेकेंड में ही इंस्टॉल हो जाता है। तो गाइस इसको इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे क्लिक करना और आपका यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल हो जाता है। प्रोफाइल की मदद से आप यहाँ पे जो मोड से आपके लॉरेन एप्लीकेशन में उसे आप सिलेक्ट कर पाओ। अगर आप प्रोफाइल नहीं इंस्टॉल करोगे तो आप जो मोड से उसे आपको स्विचिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रोफाइल भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। लॉरेन की एप्लीकेशन जैसे आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉरेन की प्रोफाइल है ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। अगर यहाँ पे लॉरेन की प्रोफाइल इंस्टॉल नहीं रहेगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नो प्रोफाइल्स इंस्टॉल्ड, तो आपको लॉरेन की प्रोफाइल इंस्टॉल करनी पड़ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 5 मोड देखने को मिलता है, बैटरी बैलेंस एक्स्ट्रा बैलेंस और परफॉर्मेंस गेमिंग मोड। ये 5ों मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको स्टैट्स का देखने को मिल जाए, जहाँ पे आप FPS मीटर एनेबल करना है तो इसे आप एनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बैटरी मॉनिटर
मॉनिटर एनेबल करना है तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन यहाँ पे कर्नल का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप जेड रैम मतलब वर्चुअल रैम यहाँ पे थोड़ा बहुत एनेबल हो जाता है आपको स्टोरेज के मदद से, जो कि काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको टच लेटेंसी इंक्रीज का ऑप्शन देखने को, टच लेटेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये इसे आप एनेबल मत कीजिए। यहाँ पे आप बैटरी की चार्जिंग स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे ही देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मैक्स चार्जिंग स्पीड करना है तो यहाँ पे 3500 मिली एम्पियर पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर गेम ट्विक्स में देखोगे तो यहाँ पे आपको गेम ट्विक देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप जो मोर FPS पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे बैटरी ड्रेनेज ज़्यादा देखने को मिल जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो FPS है उसे इंक्रीज करने में आपका जो यहाँ पे CPU का यूजेज ज़्यादा होता है, तो इसके वजह से यहाँ पे आपको बैटरी ड्रेनेज ज़्यादा देखने को मिलेगा उस मोड में। तो गाइस ये कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है अगर आपको लॉरेन कर्नल अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपका फोन में एंड्रॉयड 11 बेस्ड रॉम इंस्टॉल होना है और गाइस यहाँ पे आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए, अदरवाइज आप ये कर्नल इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो में नए रॉम के साथ।